नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी हाई ब्लड प्रेशर के कारण, लक्षण और उपाय। ब्लड प्रेशर हमारी रक्त वाहिनियों, धमनियों तथा सिराओं पर पड़ने वाले खून के दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120-80 माना जाता है। इसमें पहली संख्या को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, क्योंकि यह हृदय के धड़कने सिस्टोल के समय के ब्लड प्रेशर को दिखाता है। दूसरी संख्या को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, क्योंकि हृदय के तनाव मुक्त रहने के समय के ब्लड प्रेशर की सूचना देता है। ब्लड प्रेशर को पारे के स्तंभ में मिलीमीटर में मापा जाता है। ब्लड प्रेशर के 140-90 से ज़्यादा होने पर उसे हाइपरटेंशन की अवस्था मानते हैं, इसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस सारणी में आप देख सकते हैं कि आपके शरीर का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। रक्तचाप बढ़ने के कारण, कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। रक्तचाप बढ़ने के कई कारण होते हैं। पहला अनुवांशिकता, दूसरा मोटापा, तीसरा तनाव, चौथा किडनी के रोग, पांचवा डायबिटीज, छठवा जंक फूड का सेवन, गर्म निरोधक गोलियों, सातवा आधुनिक व आराम तलब जीवन शैली, आठवा रक्त वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होना, नौवा हार्मोनल गड़बड़ियां, दसवा नमक के अधिक सेवन, 11वां गर्भावस्था, 12वां अधिक मात्रा में चाय कॉफ़ी, 13वां सोडा ड्रिंक्स में मिले कैफीन, 14वां धूम्रपान, 15वां शराब इत्यादि। हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। थकावट महसूस होना, मानसिक और शारीरिक श्रम में अनिच्छा, सिर में भारीपन, सिर के दोनों तरफ तेज सिर दर्द, चक्कर आना, बेहोश होना, घबराहट, जी मचलाना, नींद ना आना, आँखों में खून उतर आना, सिर की नसों का फड़कना, मानसिक तनाव, सीने में दर्द या भारीपन, हाथ पैर में झुनझुनी पैदा होना, लकवा के आघात लगना, चेहरा तमतमाया हुआ रहना, नाक से रक्त स्राव, सांस लेने में तकलीफ, समझने या बोलने में कठिनाई, चेहरे बाह या पैरों में अचानक सुन्न पड़ना, हाई ब्लड प्रेशर के इलाज ना होने पर हार्ट अटैक, पक्षघात, दिमागी नस फटना, ब्रेन हेमरेज, गुर्दों की खराबी या आकस्मिक मौत की संभावना बढ़ सकता है। उच्च रक्तचाप सामान्य रखने के घरेलू उपाय, पैकेज्ड कैंड फ्रोजन फूड का सेवन कम से कम करें, बेकिंग पाउडर व अजीनोमोटो वाले प्रोडक्ट्स, बिस्कुट, बेकरी आइटम्स, नमकीन, चिप्स, रेड मीट आदि में नमक और सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, इनका सेवन कम से कम करें। नमक का सेवन कम करें, दिन भर में एक छोटा चम्मच या लगभग 5 ग्राम नमक का सेवन पर्याप्त है। थाली में अलग से नमक लेकर ना बैठें, साधारण नमक की जगह लो सोडियम सॉल्ट का उपयोग करें। सप्ताह में एक बार बिना नमक का भोजन करने की आदत डालें, थाली में नमक के व्यंजनों की संख्या में कटौती करें। वजन कम करें, तनाव कम करें, पर्याप्त नींद लें,
ऐसा भोजन लें जिसमें पोटेशियम युक्त कैल्शियम और मैग्नीशियम अधिक हो। भोजन में फलों और सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं, शराब का सेवन ना करें, भरपूर व्यायाम व योग आदि करें, रेशेदार भोजन व फल ज्यादा लें। निम्न के उपयोग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में सहायक हैं। एक गिलास पानी में 2 चम्मच मेथी के बीज मेथी भिगोएं और रात भर छोड़ दें और इसे दिन में 2 बार इस मेथी को खाकर गिलास के पानी का सेवन करें। शॉक्ड फेनुग्रीक सीड्स मेथी इन अबाउट अ ग्लास ऑफ वाटर एंड लेफ्ट ओवरनाइट एंड कंज्यूम द वाटर विथ सीड्स ट्विस्ट इन डे। हर सुबह गर्म पानी में नींबू के रस लें, यह उच्च रक्तचाप का इलाज करने में मदद करता है। टेक लाइम इन हॉट वाटर एवरी मॉर्निंग, इट्स हेल्प इन करिंग हाइपरटेंशन। सुबह में खाली पेट 8-10 लहसुन खाएं, यह उच्च रक्तचाप को कम करने में बहुत प्रभावी है। कंज्यूम 8-10 गार्लिक इन द अर्ली मॉर्निंग इन एम्प्टी स्टोमच, इट इज वेरी इफेक्टिव इन डिक्रीजिंग द हाइपरटेंशन। दिन में 4-5 बार नींबू को पानी के साथ पीने से उच्च रक्तचाप को सामान्य करने में मदद मिलती है। ड्रिंकिंग ऑफ लाइम वाटर 4-5 times अ डे हेल्प्स इन करिंग हाइपरटेंशन। प्रतिदिन 4-6 चम्मच आंवला के रस लें, यह उच्च रक्तचाप में प्रभावी है। टेक 4-6 teaspoons फुल ऑफ आंवला जूस डेली, इट इज वेरी इफेक्टिव इन हाई ब्लड प्रेशर। तरबूज के सेवन करने से उच्च रक्तचाप में लाभ मिलता है। टेक तरबूज वाटरमेलन, इट इज ऑल्सो इफेक्टिव इन हाई ब्लड प्रेशर। सुबह और शाम में नीम और तुलसी के पत्ते चबाकर खाने से उच्च रक्तचाप के नियंत्रित करने में लाभ मिलता है। टेक नीम एंड तुलसी बासिल एंड चू इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, इट इज वेरी इफेक्टिव इन रेगुलेटिंग हाई ब्लड प्रेशर। खाली पेट पपीते का सेवन करें, यह उच्च रक्तचाप में बहुत प्रभावी है। कंज्यूम पपीता पपाया इन एम्प्टी स्टोमच। बेक्ड आलू का सेवन करें, उच्च रक्तचाप में यह प्रभावी है। कंज्यूम बेक्ड पोटैटोज, इट इज इफेक्टिव इन हाइपरटेंशन। शहद और प्याज के रस का मिश्रण का सेवन उच्च रक्तचाप में यह प्रभावी है। कंज्यूम मिक्सचर ऑफ हनी एंड अनियन जूस ट्विस्ट इन अ डे। सुबह हरा घास पर नंगे पैर चलना, योग, मकर आसन, मत्स्य आसन, सूर्य नमस्कार, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, पवन मुक्तासन, साव आसन और प्राणायाम रक्तचाप में बहुत प्रभावी होते हैं। वॉकिंग वेयर फूड ऑन ग्रीन ग्रास अर्ली मॉर्निंग, योगा एक्सरसाइजेस लाइक मकरासन, मत्स्य आसन, सूर्य नमस्कार, वज्रासन, अर्ध पद्मा आसन, पवन मुक्त आसन, साव आसन एंड प्राणायाम आर वेरी इफेक्टिव इन ब्लड प्रेशर। नेचुरल हर्बस, रसोई के मसालों आदि उपयोग से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना। लहसुन, लहसुन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में बहुत सहायक होती है। इसमें पाए जाने वाला रसायन हाइपरटेंशन के लिए बहुत लाभदायी है।
प्याज, प्याज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेविनॉल, कैसेटरीन आदि हाई और लो ब्लड प्रेशर दोनों को संतुलित रखने में सहायक होते हैं। दालचीनी, दालचीनी ब्लड प्रेशर के साथ साथ डायबिटीज के रोगियों के लिए उत्तम है। इसका सेवन से ब्लड प्रेशर को संतुलित रहता है। अजवाइन, अजवाइन में पाया जाने वाला यौगिक कार्वाक्रोल धमनियों के दबाव को कम करता है, जिससे हार्ट रेट में कमी आती है और हाई और लो ब्लड प्रेशर दोनों तरह के ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहते हैं। इलायची, इलायची का सेवन करने से ब्लड प्रेशर लेवल में बहुत सुधार होता है। जैतून, जैतून के उपयोग से ब्लड प्रेशर को सही लेवल पर रखने में मदद मिलती है। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।